कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 18 प्रायिकता संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के सभी उदाहरण हल करेंगे। आपको ये सभी उदाहरण ध्यानपूर्वक समझने हैं, क्योंकि ये सभी उदाहरण बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 2 क्लासें इस प्रश्नावली की करी है, आप उन क्लासों को एक बार जरूर समझें तो आपके लिए ये सभी उदाहरण बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखो उदाहरण नंबर 1, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 6। कितने आते हैं? 6। अच्छी तरह से हमने समझ रखा है, तो सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम बताओ कितने हैं? कुल परिणाम है, अब वो 6 क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हमसे क्या कहा है? सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक किसे कहते हैं जिसमें किसका भाग जाए? 2 का पूरी बार भाग जाता है, क्या कहलाता है? सम। अब बताओ 2 का भाग किसमें जाएगा? 2 में 4 में 6 में, तो कितने अंक है सम? 3। ठीक है ना। अब बताओ प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा क्या होता है बच्चों? कुल परिणाम। अब देखो हमें क्या ज्ञात करनी है? सम अंक आने की प्रायिकता। है ना। तो बताओ सम अंक कौन सा? 2, 4, 6 यही है। तो बताओ सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो कितने? 6। अब 6 में से सम कितने? ऊपर कितना आएगा? 3। अनुकूल 3 है ना। अब 3 है कम, 3 दुनी, प्रायिकता क्या आ गई? 1/2। आ गया समझ में? अगर विषम अंक आने की प्रायिकता पूछता तो भी कितनी आती? 1/2 आती ना, क्योंकि विषम अंक भी कितने हैं? 3 है। आ गया समझ में? अब देखो दूसरा, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब कितने पासों को फेंका जा रहा है? 2 पासों को। तो मैंने बताया था 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? 36। कुल परिणाम कितने? 36। कुल परिणाम आते हैं बच्चों 36। है ना। वो 36 कैसे बनाते हैं? 6 की घात 1, 6 की घात 2। 6 की घात 1 लिखोगे तो पासा कितनी बार फेंका? 6 की घात 2 लिखोगे तो 2 बार। और 6 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 36। अब ये 36 परिणाम आप ऐसे बनाओगे, ठीक है ना। इधर लिखोगे 6 तक गिनती और इधर भी लिखोगे 6 तक गिनती। अब यहाँ से 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर यहाँ से 2 1 2 2 2 3, फिर यहाँ से 3 1, फिर यहाँ से 4 1, फिर यहाँ से 5 1, और फिर यहाँ से ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। ओके। अब देखो हमसे क्या पूछा है, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग कितना हो? 7। अब हम इसमें देखेंगे 7 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखो ये रहा 6 और 1 7। अब इसी की सिद्ध में देखना, इसी की सिद्ध में आएंगे, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 6 और 1 7, और कहीं पे भी नहीं आएंगे। अगर ऐसे पढ़ाओगे तो आपको आसानी से, देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी बार आ रहा है? तो बताओ प्रायिकता क्या है? अनुकूल परिणाम बटा बताओ बटे तो आप लिखना पूरा सूत्र वगैरह, है ना, जैसे मैंने लिखा ना सूत्र लिखना, वो सारी चीज लिख लेना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो कितने? 36। नीचे 36 आएगा और अनुकूल कितने? 6। ऊपर कितना आएगा? 6 एकम 6 गुना का, प्रायिकता क्या आ गई? 1/6। अब कोई भी पूछ ले इसमें से अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता, 10 आने की प्रायिकता, तो आप आसानी से कर सकते हो। आगे समझ में? 2 पासों को एक साथ फेंको या एक ही पासे को कितनी बार फेंको? 2 बार। बात एक ही होती है, ठीक है ना। कर सकते हो इसमें से कोई सा भी सवाल। अब देखो ये उदाहरण नंबर 3, यदि एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष में कितने सोमवार? 53 सोमवार, है ना। अब देखो जो बच्चों लीप वर्ष होता है, ध्यान रखना, लीप जो वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? और इसमें होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन। अब ये कैसे पता चलेगा कि 52 का भाग किसमें देंगे? मतलब एक सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7।
तो सात का भाग किसमें दोगे? 300, तो भाग कितनी बार जाएगा और शेष कितना बचेगा? मतलब जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है, अगर सप्ते में देखें तो 52 सप्ताह और कितने दिन का होता है। अब हमसे क्या पूछा है? 53 सोमवार आने की प्रायिकता। अब देखो यार 52 सोमवार तो आ चुके, आ गए ना 52 सोमवार, तो अब एक और, अब वो बचे कितने दिन? दो। अब ये दो दिन क्या हो सकते हैं? ये दो दिन आपके सोमवार मंगलवार हो सकता है, ये दो दिन आपके मंगलवार बुधवार हो सकता है, ये दो दिन आपके बुधवार और शुक्रवार हो सकता है, ये दो दिन आपके शुक्रवार और शनिवार हो सकता है, ये दो दिन आपके रविवार और सोमवार हो सकता है। जैसे हमने वो किया था एक दिन वाला, तो एक दिन में तो सात में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ कितने दिन शेष बच रहे हैं? तो बच्चों दो दिन में क्या आ सकता है? दो दिन में एक तो क्या आ सकता है? सोमवार आ सकता है या फिर मंगलवार आ सकता है ना, आ सकता है। नंबर एक, पहला तो ये हो गया। दूसरा, या तो क्या आएगा? मंगलवार या क्या आएगा? बुधवार। दो दिन है ना। अब तीसरे नंबर पे या तो क्या आएगा? बुधवार या क्या आएगा? गुरुवार, है ना। आप चौथे नंबर पे या तो आएगा गुरुवार या क्या आएगा? शुक्रवार, है ना। अब चौथे नंबर, पांचवें नंबर पे या तो आएगा शुक्रवार या क्या आएगा? शनिवार, ठीक है। और छठे नंबर पे या तो क्या आएगा? शनिवार या क्या आएगा? रविवार। क्या आएगा भाई? रविवार। और सातवें नंबर पे या तो आएगा रविवार या क्या आएगा? सोमवार। क्या आएगा? अब देखो सोमवार वापस शुरू हो गया, सोमवार मंगलवार हो गया ना, तो बताओ टोटल कितने? सात। प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा, अनुकूल परिणाम बटा कुल तो कितने? सात। कुल तो कितने? अब देखो सोमवार कितनी बार आ रहा है? एक बार तो यहाँ आ रहा है और एक बार, तो अनुकूल कितने? दो। तो प्रायिकता क्या हो गई? दो बटा सात। आ गया समझ में? अरे भाई ध्यान इधर दो, 53 सोमवार आने की प्रायिकता पूछिए। कौन से वर्ष में? लीप वर्ष में। अब आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 में 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं? अब 52 तो आ गए, बचे कितने दिन? अब ये दो दिन, सोमवार मंगलवार भी हो सकता है, मंगलवार बुधवार भी हो सकता है, बुधवार गुरुवार भी हो सकता है, गुरुवार शुक्रवार भी हो सकता है, शुक्रवार शनिवार भी हो सकता है, शनिवार रविवार भी हो सकता, और रविवार सोमवार भी हो सकता है। अब ये टोटल कितने? सात। तो कुल तो कितने हो गए? अब सात में सोमवार कितनी बार आ रहा है? तो ऊपर क्या आ जाएगा? तो प्रायिकता क्या आ गई? आ गया समझ में? उतारो। देखो बेटा सवाल नंबर चार, आप बुक में देख लेना। देखो 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है, यदि इन उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो 12 टिकट है, कितने टिकट है? उन पर 1 से लेकर 12 तक संख्याएं लिखी है, ठीक है। तो पहले क्या करो, 1 से 12 तक संख्या लिख लो, ठीक है। तो देखो लिखेंगे 1 से 12 तक, ध्यान देना भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये टिकटों के नंबर है, ये टिकट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे 12 तक। अब बच्चों यहाँ हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? बताओ बेटा प्रायिकता को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल बटा कुल। अब बताओ कुल तो कितने? 12। कुल तो कितने? मतलब नीचे तो फिक्स है, कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा, नीचे तो फिक्स है ना। अब ऊपर अनुकूल परिणाम देखेंगे। अब हमसे क्या कहा है? 2 या 3 का गुणज, 2 या 3 का गुणज। अब 2 या 3 का गुणज का मतलब क्या है? जिसमें 2 का और 3 का क्या जाता हो? भाग जाता हो। गुणज का मतलब होता है जिसमें 2 के पहाड़े में आए और 3 के पहाड़े। बताओ 2 के पहाड़े में कौन? 2 आएगा, 3 आएगा, 3 के में आएगा, हो गया 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगा ना। 2 और 3 के पहाड़े में कौन कौन आते हैं ये बताना है ना। तो 2 के पहाड़े में 2 आएगा, 3 के में 3 आएगा, 4 के में 4 किसके पहाड़े में आएगा? 5 किसी के में नहीं आएगा, 6 आएगा, दोनों में आ रहा है, 7 किसी के में नहीं आएगा, 8 2 में आ रहा है, 9 3 में, 10 11 किसी के में नहीं आएगा, 12
ठीक है। अब देखो बताओ अनुकूल परिणाम बटा, तो बताओ पीई बराबर, बताओ बेटा कुल तो कितने 12 है ना, अनुकूल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर कितना आएगा 4 एकम 4 दुनी 4 3 12 प्रायिकता क्या आ गई, आ गया समझ में, कोई डाउट है? नहीं है ना। अब इसमें आपसे और भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे पूछ ले कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, बाह्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, ज्ञात कर सकते हो ना, हो गया। तो ये हो गया आपके सवाल नंबर 4। अब बेटा सवाल नंबर 5 देखो, ठीक है ना, ध्यान लगाना। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितनी बार, एक बार। पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने 2। एक बार उछालने पर कितने 2। और सिक्के को 2 बार उछालने पर 4। और 3 बार उछालने पर 8। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, पर बताओ कुल परिणाम कितने, या तो आएगा भारत या क्या आएगा पैसा, ये आएगा ना, या तो आएगा हेड या क्या आएगा टेल। बताओ हेड को तो क्या कहते हैं भाई, चित्ते, और टेल को क्या कहते हैं, पट्टे। ठीक है, बताओ प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा, बताओ कुल तो कितने 2। अभी हमसे क्या कहा है, किसकी प्रायिकता पट आने की, बताओ पट कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो ऊपर क्या आएगा, तो प्रायिकता क्या हो गई, सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पटाए चाहे चिताए उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी, 1/2 ही होगी। कोई समस्या नहीं है। अब देखो आगे सवाल नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठा सवाल, ध्यान से समझना। देखो छठे सवाल में क्या लिखा है बच्चों, एक थैले में एक सफेद, एक काली और एक लाल गेंद एक ही आकार की है। सविता बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। एक थैले में 3 तरह की गेंदें रखी हुई है, सबसे पहले कौन सी गेंद, सफेद, बताओ सफेद गेंद कितनी है, एक है ना। फिर उसके बाद काली, काली गेंद कितनी है, काली गेंद भी है एक। और फिर उसके बाद लाल, बताओ लाल गेंद भी कितनी है, लाल गेंद भी है एक। बताओ थैले में कुल गेंदे कितनी हो गई, कुल गेंदे कितनी हो गई भाई, 3 हो गई ना। अब बताओ प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा, बताओ मैं किसकी प्रायिकता ज्ञात, लाल गेंद होने की, किसकी हमें ज्ञात करनी है, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब बताओ बेटा सूत्र, अनुकूल परिणाम बटा, बताओ कुल तो कितने 3, कुल तो कितने एक। और अनुकूल कितने, लाल गेंदे कितनी है, तो प्रायिकता क्या आ गई, 1/3। आगे समझ में, तीनों में से किसी की भी पूछे उत्तर क्या आएगा, 1/3 ही आएगा। कोई डाउट है, नहीं है ना। अब देखो सवाल नंबर 7, देखो क्या लिखा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को कितनी बार, बार। बताओ बेटा एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने, 6। पासे का पढ़ा था ना अभी शुरू में, तो देखो सबसे पहले 7वां में, पासे को एक बार उछालने पर परिणाम बताओ कितने, 6। परिणाम कितने रहे, 6। क्या 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। अब हमसे क्या कहे, हमसे कहे 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 से छोटी या 5 के बराबर संख्या प्राप्त होने की क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। देखो हमसे क्या पूछा है, 5 से छोटी या बराबर आने की प्रायिकता। देखो ध्यान दो सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा, बताओ कुल तो कितने, 6। 5 या 5 से छोटी, 5 भी आनी चाहिए और 5 से छोटी भी, तो कितनी है, ऊपर क्या आएगा, प्रायिकता क्या हो गई, आ गया समझ में, ठीक है।
अरे बराबर का मतलब पांच भी आना चाहिए और पांच से छोटे भी आने चाहिए, तो पांच भी आ गया और पांच से छोटे भी आ गया। आगे समझ में? अब आगे देखो, आगे एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? दे रखा है, और इस गड्डी में से क्या निकाला जाता है? बादशाह। और बादशाह कितने होते हैं? कितने बादशाह होते हैं? अरे दो कलर होते हैं ना, एक तो लाल और एक काला। लाल कलर भी कितने तरह के? ईंट और पान। काले कलर भी कितने तरह के? चिड़ी और हुक्म। एक पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह, एक चिड़ी का बादशाह और एक हुक्म का। तो कितने बादशाह होते हैं? कुल पत्ते कितने? 52। तो प्रायिकता क्या आ गई? 4/52 है ना। तो देखो ध्यान दो, सवाल नंबर 8, ताश में कुल पत्ते बताओ, कुल पत्ते कितने? 52। हमसे क्या पूछी है? बादशाह आने की प्रायिकता बताओ, सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल तो कितने? 52। अब बाद से कितने होते हैं? ऊपर कितना आएगा? 4×1 फिर चौको 52। प्रायिकता क्या आ गई? 1/13। आगे सुन में तालो पहले। देखो बेटा सवाल नंबर 9, इसको ध्यान से समझना आप। क्या लिखा है बच्चों? दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चों दो खिलाड़ी है राम और श्याम, शतरंज का एक मैच खेलते हैं, और राम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो इधर देखो, कुल मैच कितने खेले उन्होंने? कुल मैच कितने खेले? अरे नीचे कुल परिणाम आता है ना, कुल मैच कितने? 5 में से राम कितने जीत गया? बचा कितना मैच? एक। कौन जीतेगा? तो प्रायिकता क्या आएगी? 1/5। आ गया उत्तर? आया नहीं आया समझ में? अरे भाई कह रहा है कि दो है, एक तो राम है और एक श्याम है। किसका मैच खेलते हैं? शतरंज का। अब राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम की बताओ। तो राम के मैच जीतने की 4/5 है ना, तो कुल मैच कितने? 5 में से 4 कौन जीत गया? राम। अब बचा मैच कितना? कौन जीतेगा? श्याम। तो प्रायिकता क्या आ गई? 1/5। आगे समझ में? तो देखो पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। क्या लिखेंगे बच्चों? देखो यहाँ लिखेंगे राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बताओ बेटा कितनी है? 4/5 यही है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात करनी है श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो देखो मैंने क्या कहा था, सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। तो राम और श्याम को जोड़े तो कितना आएगा? एक आएगा। तो देखो यहाँ P और यहाँ लिखेंगे R, R का मतलब राम, फिर यहाँ प्लस P और यहाँ क्या लिखेंगे? S, S का मतलब श्याम। दोनों की प्रायिकता बराबर कितना? एक। कितना होता है? दोनों किसी भी घटना की प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। तो देखो राम और श्याम की प्रायिकता योग कितना होगा? एक होगा। अब देखो हमें किसकी प्रायिकता का योग दे रखा है? राम। बताओ राम का कितना? 4/5 प्लस पी, और श्याम का क्या करना है? ज्ञात। बराबर कितना? एक। अब श्याम का ज्ञात करना है, तो 4/5 का उधर क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा? 1-4/5। तो पी एस बराबर लघुतम लेंगे, लघुतम कितना आएगा? 5। 5×1 माइनस का 4, तो बताओ क्या आ गई? 1/5। मैंने पहले बता दिया उत्तर, बस आपको लिखना था। आगे समझ में? अब देखो लास्ट मतलब 10वां है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितनी बार? 2 बार उछाला जाता है। तो क्या पूछा है? कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। कम से कम क्या आना चाहिए? एक चित। देखो ध्यान दो, 10वां सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। ध्यान देना इधर, सिक्के को 2 बार उछालने
पर कुल परिणाम बताओ कितने आएंगे? कुल परिणाम कितने आएंगे रे? चार आएंगे। सिक्के को दो बार उछालते तो कुल परिणाम कितने आते हैं? अब चार कैसे बनाओगे? चार का आधा कितना? दो बार तो लिखेंगे हेड और दो बार लिखेंगे टेल। दो का आधा एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। समझ में आ गया? तो ये हो गए चार परिणाम। अब हमसे क्या पूछा है? कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। चित, चित किसे कहते हैं? एच। चित किसे कहते हैं भाई? एच को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो कम से कम एक एच तो आना ही चाहिए। तो देखो एच कम से कम एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है और एक यहाँ भी। कितनी जगह आ रहा है? तीन बार आ रहा है। कितनी बार? तीन। तो बताओ सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल तो कितने और अनुकूल कितने, तो प्रायिकता क्या आ गई? तीन बटा चार। आगे समझ में? अब बच्चों जो सवाल नंबर 11 है वो सवाल नंबर 2 की तरह सेम दूसरा ही है। 11वां और दूसरा उदाहरण नंबर 11 और 2 एक ही है। इसमें भी यही पूछा है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो? सात हो। और यहाँ भी यही था। तो सवाल नंबर 2 और 11 सेम है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 18 आपके समाप्त हुई। अगर आप इन तीनों क्लासों को अच्छी तरह से देखते हो तो आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हैं, इस बात की गारंटी है। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।